हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आजकल न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने रीच आउट किया है आईसी जे को इसराइल के जेनोसाइड के अगेंस्ट गाजा में तो हम जानते हैं आई सी जे है क्या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रिलिम्स एंड मीन्स पर्स्पेक्टिव क्योंकि न्यूज़ में रहता है तो क्वेश्चन आ सकते हैं आ, तो हम जानेंगे आई सी जे है क्या कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है और थोड़े बेसिक डिटेल्स तो सबसे पहले आई को वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है आप कंसिडर कर सकते हो वैसे ही आई इज़ फॉर द वर्ल्ड ठीक है नॉट दैट पावरफुल येट एंड वेरी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ठीक है इस्टेब्लिश हुआ था जून नाइनटीन में यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अकॉर्डिंग uh, इसका सीट जो है कोर्ट का वो कहाँ पे है द हेग नेदरलैंड्स में हेग में इसका सीट है मैं अगेन कंपेयर करके बता देती हूँ जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का सीट न्यू दिल्ली में है वैसे ही आ, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका सीट हेग में है नदरलैंड्स में आ, ये सिर्फ एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का छह प्रिंसिपल ऑर्गन में जिसका सीट न्यूयॉर्क से बाहर है इसके जितने भी एयरिंग्स होते हैं सारे पब्लिक होते हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो फ्रेंच और इंग्लिश हैं नाउ कमिंग टू किस टाइप के केसेस आईसीजे देखता है दो तरह के केसेस देखता है कंटेंशियस केसेस और एक एडवाइजरी केसेस ठीक है तो जैसे डिस्प्यूट हुआ कोई लैंड का या मेरिटाइम बाउंड्रीज का या टेरिटोरियल सोवरेनिटी का या फोर्स यूजेज का तो ये सब कंटेंशियस केसेस में आ जाता है ठीक है तो इस तरह के केसेस देखता है और इस पे जो रूलिंग देता है ये बाइंडिंग होता है ठीक है दूसरा आ गया एडवाइजरी तो एडवाइजरी अगर कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट जाता है आई जे के पास कि सर आप बताओ कि ये वाला केस इस वाले कंडीशन में क्या होना चाहिए तो बताता है कि भाई कोर्ट के हिसाब से या लॉ के हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए ठीक है तो ये नॉन बाइंडिंग होता है ज़रूरी नहीं है कि जो बोला कोर्ट ने वैसे का वैसा ही हो ठीक है आ, तो अगेन टू कितने judges होते हैं, पंद्रह जजेस होते हैं सारे डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं इनका term nine years होता है, है, ठीक और ये इलेक्ट होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल के द्वारा री के लिए जजेस एलिजिबल होते हैं ठीक है One third जो judges होते हैं, वो हर तीन साल पे आ, वो होते हैं मतलब इनका टेन्योर खत्म होता है तो उसी टाइम पे री होता है ठीक है तो uh, जजेस जो होते हैं वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इम्पार्शल होने चाहिए तो वैसे ही जो आईसीजे के जजेस होते हैं वो एक बार जब जज बन जाते हैं तो वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते या किसी कंट्री का पार्ट लेके या इस तरीके से यू नो डिसीजंस नहीं दे सकते हैं ठीक है और जैसा कि मैंने बताया कि आई डिस्प्यूट्स uh, को यू you नो know, डिसाइड करता है तो किस अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में लिखा हुआ है या किसी भी सिविलाइज नेशन के यू नो लॉज से रिकगनाइज है उस तरह की उन यू नो उन राइटिंग्स के बेसिस पे ये डिसीजन लेता है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच स्टे ट्यून्ड